तो उन्होंने पूरा रमजान शॉपिंग ही नहीं की और इतना नाशा। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मंडे और आज रमजान ख़त्म हो गया और आज है चांद रहा, आज सुबह ईद है ट्यूसडे और आज सुबह का भी व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम चांद रात मनाने जा रहे हैं बाहर। अभी मैंने रात को ही व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज है चांद रात, अभी चलते हैं बाहर देखते हैं लोग क्या कर रहे हैं, वरना इस टाइम तो मतलब कि बीबियों को सूटों की बड़ी होनी है। वैसे पिछली बारी कितना मज़ा आया था कि लॉकडाउन था, ऐसे शटर बंद थे, लोग शटर खोल के एसी नहीं होता है वो जो डीसी एसी, वो लोग हमारे साथ भी थे, वो लोग वो शटर देख के थे, पीछे पुलिस वहाँ पे थी। चले अब चलते हैं, आज तो नॉर्मल है, सबको पता था सुबह ईद है, सब लोग शॉपिंग कर लिया, वरना पिछली बारी मज़ा आ गया। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, अभी हम वो पुराने हाजीपुर है और अभी हम लोग आए गोलगप्पे खाने और अभी गोलगप्पे खाते हैं फिर बाज़ार चलेंगे। तो ये रेडी और अभी हम यहाँ से ले गए, ये शॉप किरंदरी और अभी हम यहाँ पे खा रहे हैं। अभी आप गोलगप्पे का इंतजार करो, जब गोलगप्पे आएंगे तो हम लोग अभी खाएंगे, फिर बाद बाजार भी जाएंगे और देखेंगे, फिर बात करेंगे और देखेंगे आजकल क्या हो रहा है। हमारे गोलगप्पे आ रहे हैं और मैं भी इसको खाता हूँ। अभी मेरे को खाने लगा तो अभी मज़ा आ गया, बस अब तो मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। आ रहा है वो, आप पीछे देख सकते हैं इतना ज़्यादा रश है कि आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा रश है कि आपको मैं क्या बताऊँ। चांद आता आ जाए और ये देखें पीछे कितना रश है, जाम लगा हुआ है। तो अभी मेरा क्लास फेल आ चुके हैं और यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश है और आए इसको ले कर चलते हैं और यार ऐसा पीछे कितना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, चांदना आता है, ये देखो कितना ज़्यादा रश है। अभी तक बीबियों को कोई रास नहीं आई, चंदा पूछे तो उन्होंने पूरा रमजान शॉपिंग ही नहीं की और इतना रश है, अभी पूरा बाजार को जगह बड़ा हुआ। चल ठीक है, मैं बाद में अब कहाँ पर जाए, ईद मुबारक कटवाऊंगा। तो अभी आप पीछे देख सकते हैं और बहुत ज़्यादा ये देखो रश। फैमिली रेस्टोरेंट से लावा बर्गर ले लिया है और अभी हम लोग चलते हैं घर और जाके लावा बर्गर खाते हैं। यहाँ पे बहुत रश है, मुझे गर्मी आ रही है, गर्मी पसीना आ गया। देखे चार रात के रोड के छीन जाए। तो अभी 12 बज चुके हैं और चांद रात से हम लोग आ गए बाहर से, चांद रात बहुत मज़ेदार थी, वो पीटीआई के ज्यादा में निकाले हुए थे, हम तो पीएमएनएल के शेर है, बल्ला जीरो, बल्ले से छक्का लगता है, शेर हर किसी को खा जाता है। और अभी मैं आते हुए आपको जैसे बताया था फैमिली वालों से हमने बर्गर ले लिया लावा और ये देखे हाँ बहुत ही मज़ेदार है, अभी मैं इसको खाता हूँ। मेरे मुंह से भरा और मैं अभी इसको खा के आपसे बात करता हूँ। तो 12 बज गए, सुबह जल्दी उठना है, ईद की नमाज भी पढ़नी है और सुबह गाँव जाना है और सुबह गान भी लेनी है, गाल हो या कुपी, कुपी से खेलो, कुपी मतलब कि दूर से उसका भाई कुपी होती है जिसके ऊपर बोतल नहीं होती, हम बोतल उसका ढक्कन
उसके ऊपर बोतल का ढक्कन काट के, मतलब कि ढक्कन से थोड़ा सा पीछे काट के, पीछे बलून लगा के, वो इतना प्रेशर बनता है कि गन से भी ज़्यादा उसकी थ्रो होती है। मेरा दिल करता है कभी वो लो, कभी दिल करता है कि गन भी लेनी चाहिए। अब सुबह गाँव जाके आप ईद का इंटरेस्टिंग व्लॉग देखेगा, और अभी मैं इसको खाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है, मैं व्लॉग एंड कर दूँगा। तो अभी मैंने सारा, मतलब के सारा नहीं, अभी मैंने रावा बर्गर खा लिया हुआ है, और अभी 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 आज मैं अपने व्लॉग को एंड करता हूँ। 1-2 बज गए अभी। हम मैंने घर वालों से थोड़ी सी बातें की, मतलब कैसे बैठे, और अभी आज चांद रात देखी, बट इतना रश था, इतना रश था कि चांद रात देखने का भी मज़ा आ गया। और मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। सुबह ईद का बहुत इंटरेस्टिंग आपको मैं व्लॉग बनाऊँगा, मतलब कि आपको दिखाऊँगा, और इसके साथ आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय बाय।